यूपी के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सांखनी में निर्माणाधीन मकान का कार्य करते समय राजमिस्त्री की 37,000 विद्युत लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। 37,000 की लाइन से राजमिस्त्री की दर्दनाक मौत, मृतक के परिजनों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार। मामला है जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का गांव जलीपुर निवासी बिन्नावी देवी का, जिसकी मौत हुई है। कैमरामैन आदित्य गौतम के साथ सुल्तान अंसारी, सीएमएन न्यूज जहांगीराबाद बुलंदशहर। साहब ऐसा है, काम कर रहे हैं और काम करने के साथ बिजली विभाग वाले, बिजली ने करंट मार दिया और बिजली विभाग की लापरवाही से इनकी करंट मारने के कारण इनकी मौत हुई है। अच्छा, आप इनकी न्याय की किससे गुहार लगा रही हैं आपने? हमने गुहार लगाई, एसडीएम साहब को फ़ोन किया और जेई साहब को भी फ़ोन किया। अभी क्या कह रहे जेई साहब? जेई साहब तो अभी कह रहे आने की, तो अभी नहीं आई, अभी नहीं आए। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम बिन्नामी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वेद प्रकाश। कहाँ के निवासी हूँ? जलीलपुर के। घटना कहाँ की है? साखनी की। राजमिस्त्री का काम करती है? हाँ, राजमिस्त्री का काम करती है। और ऐसी घटना जी पहले भी हो चुकी है उसी लाइन से। ये बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये सारी घटना। हम तो ये चाह रहे हैं जी आगे को किसी के साथ और घटना ना हो। तो बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं आप? हाँ, करना चाहते हैं जी। यूपी के जहांगीराबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती 6 तारीख को थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए कोतवाल विवेक शर्मा ने अभियुक्त शमशेर खां उर्फ पासा को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त से एक तमंचा, 12 बोर में 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामद कर आर्म्स एक्ट पंजीकृत व अभियुक्त उपरोक्त की निशानदेही पर कार्यवाही शुरू कर दी है। जहांगीराबाद कोतवाल विवेक शर्मा को मिली बड़ी सफलता। 6 सितंबर को हुई लूट का किया खुलासा। शमशेर निवासी मुरादाबाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 152 क्विंटल गेहूँ लूट का बरामद किया है और एक तमंचा, एक कारतूस भी उससे बरामद किए हैं। पुलिस ने शमशेर को जेल भेज दिया है, जबकि उसके 4 साथी फरार बताए गए हैं। कैमरामैन आदित्य गौतम के साथ सुल्तान अंसारी, सीएमएन न्यूज जहांगीराबाद बुलंदशहर। आज दातागंज सीओ सतेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ बैंकों की सुरक्षा संबंधी निरीक्षण किया और बैंकों के शाखा प्रबंधकों से भी मिले और उनसे सुरक्षा संबंधी वार्तालाप की। साथ ही साथ बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया और शाखा प्रबंधक से कहा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको बैंक के आसपास या बैंक के अंदर मालूम पड़े तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, पुलिस आपके साथ है।